नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। पटौदी खानदान की बेटी और एक्ट्रेस सोहा अली खान अपने पति कुनाल खेमू और बेटी इनाया नौमी के साथ लिंकिंग रोड स्थित सुंदर विला अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर रहती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पटौदी गर्ल को ये घर उनकी माँ शर्मिला टैगोर ने शादी पर गिफ्ट में दिया था। एक नामी वेबसाइट को दिए अपने इंटरव्यू में सोहा ने इस बात का जिक्र भी किया था। इस घर का इंटीरियर आर्किटेक्ट दर्शानी शाह ने तैयार किया था। सोहा और कुनाल चाहते थे कि उनका घर सिंपल और सोबर हो। सोहा के घर में कंफर्ट का खास ख्याल रखा गया है। घर का लिविंग रूम काफी बड़ा है। अमूमन फैमिली फंक्शंस के लिए लिविंग रूम का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं लिविंग रूम में सोहा और कुनाल की बेटी इनाया के लिए खेलने का भी बंदोबस्त किया गया है। सोहा अली खान के घर में लॉन्गिंग एरिया भी है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। लॉन्गिंग एरिया में डार्क कलर के सोफे लगे हुए हैं। घर में सोहा और कुनाल की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हैं। वहीं सोहा अली खान किताबें पढ़ने की शौकीन है, इसलिए उन्होंने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई है। सोहा अली खान के घर में बेटी इनाया के लिए खेलने का एक अलग कमरा भी मौजूद है। ये रूम देखने में बेहद कलरफुल है। वहीं सोहा गार्डनिंग की भी शौकीन है। घर के बाहर उन्होंने कई सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। उनके घर की एक दीवार कांच से बनी है, जिससे बाहर का नजारा देखा जा सकता है। घर में बड़े बड़े सोफे और काउच भी सजावट के लिए लगा रखे हैं। फिलहाल इन दिनों सोहा अली खान अपनी फैमिली के साथ ही टाइम बिता रही हैं। सोहा अली खान फेमस क्रिकेट खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी और फेमस एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की बेटी हैं। एक्टर सैफ अली खान सोहा के बड़े भाई हैं। सोहा कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाई। उनकी बहन सबा अली खान ज्वेलरी डिजाइनर हैं। बता दें कि सोहा अली खान और कुनाल खेमू ने साल 2015 में शादी की थी। दोनों की शादी एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग थी। दो साल बाद इनके घर में नन्ही परी इनाया ने जन्म लिया। सोहा और कुनाल लवली कपल होने के साथ साथ सक्सेसफुल पेरेंट्स भी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।